आइए हम जैद खालिद साहब से जानना चाहेंगे। जैद साहब, ये बताइए कि क्या हमारा आवाम, इससे पहले कि हम क्राइम के इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट पे जाएं, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या हमारा आवाम पूरी तरह एजुकेटेड नहीं है एज़ फार एज़ क्राइम इज़ कंसर्न? क्या उन्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ क्राइम के दायरे में आ जाती है और कौन सी चीज़ उन्हें गुनाहगार बना देती है, या किन किन चीज़ों को वो अपने अंदर पैदा कर लें, अपने अंदर ले आएँ, या समाज का हिस्सा बना लें, या समाजी ढांचे में ढाल लें, तो वो उनके अंदर से क्राइम की गुंजाइश कम हो जाएगी? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, क्या हम लोगों को एजुकेट करके क्राइम के हवाले से क्राइम को कम कर सकते हैं? देखिए, इस ताल्लुक से ये बात तो श्योर है कि एजुकेशन बेनिफिट करती है, ख़ास तौर से वो एजुकेशन जो दुनिया और आखिरत दोनों से ताल्लुक़ रखे। सुनन इब्न माजा की हदीस है जिसमें आता है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफ़ा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। अब देखिए, हम सब आज के डिस्कशन में ये देख रहे हैं कि एक तरफ एक आइडियलिस्टिक व्यू है और एक तरफ एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग किस्म का व्यू है, लेकिन एक आम आदमी दरमियान में है कि एक आइडियल टाइप का सिचुएशन सिस्टम हमारे पास है या बहुत ही सैड टाइप की सिचुएशन है। अब यहाँ पे अगर कोई शख्स रूल्स को जाने और लॉज को जाने, तो लॉज को जानकर कैसे अपने हुकूक और राइट्स को इस सिचुएशन में भी बेस्ट हासिल कर सकता है, बेस्ट सेफगार्ड कर सकता है। हम देखते हैं कि इंडिया का जो एंटायर सिस्टम है, इसमें एक चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, आज भी बहुत बड़े हद तक है, वो है ट्रांसपेरेंसी। और वो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम ड्यू टू राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक सॉल्व होता दिख रहा है, जो जनरल लॉज है उससे बिल्कुल हटकर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का लॉ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि क्या एजुकेशन आने से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा? क्या ऐसा सचमुच है कि अगर हमारी सोसाइटी पूरी तरह से एजुकेटेड हो गई तो क्राइम रेट्स चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे? ये एक सवाल है। और ये सवाल के ताल्लुक से मैं एक व्यू रखना चाहता हूँ, मैं बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि अमेरिका जो एक मिसाल है एक एजुकेटेड कंट्री की, लेकिन अगर आप गूगल में जाकर क्राइम रेट इन अमेरिका सिर्फ टाइप करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल मोर देन 1 करोड़ क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं। 1 करोड़ क्राइम्स रिपोर्ट हुए हैं खाली अमेरिका में, और जितने लोग इंडिया के प्रिजन्स में हैं अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इससे 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स ज़्यादा लोग अमेरिका के प्रिजन में हैं। अब पता ही चला कि इतनी एजुकेशन के बाद भी क्राइम रेट रियली तो डिक्लाइन नहीं हुआ, तो क्या ये बात, ये हम जो अजम्पशन लेकर आगे चलते हैं और पूरी सोसाइटी को इसी तरह गियर अप करते हैं कि एजुकेशन आने से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, क्या ये हकीकत है रियली, या हमें कुछ चीज़ें मैक्रो लेवल पे क्वेश्चन करनी होगी? जैसे एक होता है कि सिचुएशन जो ग्रास रूट पर है, जिस ताल्लुक से बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव्स मैंने भी सुने और मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम के व्यूअर्स को भी मिले होंगे, लेकिन एक उठकर अगर देखते हैं कि आखिर में ये सिनेरियो बदल कैसे सकता है, तो ये एक सवाल है जो हम सबको गौर करना चाहिए।